इन खबर में आप सभी का स्वागत है। पाकिस्तान से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक पिता ने अपनी 7 दिन की बच्ची की गोली मारकर हत्या कर दी। पिता के वह शिपन का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उसने मासूम में एक नहीं बल्कि 5 गोलियां दागी। इस घटना के सामने आने के बाद से पूरे इलाके में गम और दहशत का माहौल है। ARY न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक कूर पिता ने अपनी बच्ची को 5 गोलियां मारी। सोशल मीडिया पर यह खबर तेजी से वायरल हो रही है। लोग आरोपी बाप को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। वहीं पंजाब के महानिरीक्षक ने घटना पर संज्ञान लिया है और क्षेत्रीय पुलिस अधिकारी सरगोधा से घटना की रिपोर्ट तलब की है। बताया जा रहा है कि आरोपी पिता बेटा चाहता था, लेकिन जब बेटी हुई तो वो गुस्से में पागल हो गया और बच्ची को मौत के घाट उतार दिया। IG ने जल्लाद बाप को तत्काल गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं। उनका कहना है कि मासूम को मौत के घाट उतारने वाले को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। गौरतलब है कि कुछ वक्त पहले लाहौर से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था। एक महिला ने अज्ञात कारण से अपने 2 बच्चों की हत्या कर दी थी। इस घटना को लेकर काफी बवाल भी मचा था। घटना लाहौर के गुलशन हयात पार्क के पास की बताई जा रही है, जहां नजमा नाम की एक महिला ने अपने 2 बेटों की गला दबाकर हत्या कर दी थी। मृतक बच्चों की पहचान 8 साल के तलहा और 12 साल के बिलाल के रूप में हुई थी। अपने बच्चों की हत्या करने के बाद महिला ने खुद को भी ब्लेड से काट कर घायल कर लिया था। इसके बाद पड़ोसियों ने महिला को एक नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया था। तो ऐसे ही खबरों पर रहेगी हमारी नजर। आप देखते रहिए इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।